अगर आपके पास टाइम कम हो और झटपट से कुछ सब्जी बनाना हो तो इस सब्जी को ज़रूर बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाली ऐसी सब्जी जो खाने में तो टेस्टी होगी ही, इसे बनाना बहुत ही आसान होगा। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमने भिंडी को अच्छी तरह से पानी से धो लिया है, कपड़े से पोंछ लेंगे और हम इसे काट लेते हैं। तो इस तरह से हम सारी भिंडियों को काट लेते हैं और भिंडी को हमने एक प्लेट में ले लिया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं नमक। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जी में भी हम नमक का यूज़ करने वाले हैं। दो पिंच डाल लेते हैं हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे नींबू का जूस। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। नमक और हल्दी इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे भिंडियों में। इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में हमने प्रेशर कुकर को गर्म करने के लिए रख दिया था और इसमें हमने ऑयल डाल लिया है। ऑयल अच्छी तरह से जब गर्म हो गया तो इसमें हम भिंडियों को डाल लेते हैं। तो भिंडियों को हमें हल्का सा यहाँ फ्राई कर लेना है। फ्राई करके जब हम भिंडियाँ बनाते हैं ना तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। फ्राई करने से भिंडियाँ जो है वो चिपचिपी सी नहीं रहती है और जो टेस्ट है वो तो अच्छा आता ही है। बीच बीच में हम इसे चलाते हुए इसे फ्राई कर ले रहे हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो भिंडियाँ हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसे अब हम निकाल लेते हैं। अब हमने इसी में डाल लिया है कटा हुआ प्याज। तो इस तरह से क्यूब्स में मैंने प्याज को खोल करके डाल लिया है। तो इससे क्या है कि जो सब्ज़ी है वो खाने में तो टेस्टी लगेगी, देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब हम प्याज को भी निकाल लेते हैं। तो प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, हल्का सा हमने फ्राई किया है। अब हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें जीरा डाल लिया है, एक बड़ा साइज़ का कटा हुआ प्याज डाल लिया है। प्याज को हम हल्का भून लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे दो टमाटर। तो यहाँ पे हमने स्वाद अनुसार नमक भी साथ ही साथ डाल लेना है, इससे जो टमाटर है ना वो जल्दी ही पक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक से दो मिनट के लिए अब हम इसे पका लेते हैं ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ तब तक मैंने ले लिया है दही। तो यहाँ तीन चम्मच दही हमने लिया हुआ है। एक चम्मच धनिया का पाउडर डाल लेते हैं इसमें। अब हम इसमें डाल लेते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये करीब एक चम्मच डाल लिया है, इससे सब्जी का जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आएगा। 1/4 टीस्पून डाल लेते हैं इसमें हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। एक चम्मच कसूरी मेथी डाल लेते हैं। कसूरी मेथी से सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। तो चलिए अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो इसे तब तक आप मिक्स करें जब तक कि ये बिल्कुल अच्छा स्मूथ सा पेस्ट ना बन जाए। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से जो हम मसाले को दही में मिक्स करके बनाते हैं तो स्वाद बहुत ही अच्छा आता है सब्जी का। और फ्रेंड्स, आप एक बात का ध्यान रखें, जो दही हम यूज़ कर रहे हैं वो खट्टी ना हो, वरना जो सब्जी का टेस्ट है वो भी खट्टा हो जाएगा। तो चलिए ये मसाले का जो पेस्ट है दही और मसाले का, उसे हम कुकर में डाल लेते हैं। अब लो फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे ताकि जो मसाले हैं और दही है वो बिल्कुल अच्छी तरह से भून जाए। तो अब इसे हमने अच्छी तरह से पका लिया है, मसालों से ऑयल भी अलग होने लग गया है। तो इसमें हम डाल लेते हैं फ्राई की हुई भिंडी और प्याज को। और अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे आधा ग्लास पानी का यूज़ किया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से इसे, अगर ज़्यादा ग्रेवी वाला रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से पानी डालें, लटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा कम पानी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस सब्जी को ना चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए अब इसे ढक करके एक सीटी आने तक पकने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्रेशर निकल जाने के बाद ये जो हमारी सब्जी है वो तैयार हो गई है। इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म भिंडी की सब्जी हमारी तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।